बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने यहाँ पे रेशमी चिकन हांडी बना रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है ये रेसिपी और बहुत ही लजीज लगती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ मैंने। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1/2 kg के जितना चिकन ले लियो, उसको धो के अच्छे से वॉश करके रखी। उसके बाद इसके अंदर 1/2 teaspoon के जितना मैंने हल्दी पाउडर ऐड करी, 1 teaspoon के जितना मैंने कश्मीरी मिर्ची ऐड करी, 1/2 teaspoon के जितना मैंने तेज़ वाली जो मिर्ची आती ना वो ऐड, 1/2 teaspoon के जितना ज़ीरा पाउडर ऐड करी मैंने, भुना और कुटा ज़ीरा। उसके बाद 1 teaspoon के जितना धनिया पाउडर ऐड करी मैंने। फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करी एज़ पर टेस्ट, जितना मुझे चाहिए था उतना। उसके बाद में मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 tablespoon के जितना इसके अंदर ऐड करी, 1 tablespoon के जितना। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची का पेस्ट आता ना तेज़ वाला, वो मैंने ऐड की 1/2 teaspoon के जितना। ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच जितना मैंने इसके अंदर दही ऐड करी। दही ऐड करने के बाद में हम लोग उसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा अच्छे से मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए हम लोग उसको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे मैंने 1 medium size का प्याज ले ली, उसको रफली चॉप कर ली और उसको थोड़ा सा तेल में हम लोग भून लेंगे, बस ऐसे थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक का। और साथ में मैंने यहाँ पे ना 8 से 10 है ना मैंने यहाँ पे बादाम ली थी, उसको मैंने भिगा के गर्म पानी में उसका छिलका निकाल दियो। और फिर साथ में उसको भी हम लोग डाल देंगे इसके अंदर प्याज के साथ में, अनियन के साथ में, और उसको थोड़ा सा भून के फिर हम लोग इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसे एक पेस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका एक पेस्ट बना के रेडी कर लियो। तो ये हम लोग का जो मेन जो प्रोसीजर था ये पूरा हो चुका है। इसके बाद जो स्टेप है बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मैंने एक हांडी ले ली हूँ, ये मेरे पास मट्टी की हांडी है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल दी और इसके अंदर मैंने अभी 3 लौंग और 4 से 5 काली मिरी और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा दिया। उसको थोड़ा सा शटर हुआ, थोड़ा सा वो लाल जैसा हो गया था, तो मैंने इसके अंदर जो पिसा हुआ जो प्याज और सॉरी इसका पेस्ट था ना, जो आलमंड का, बादाम का प्याज और बादाम का पेस्ट, उसको मैंने डाल के अच्छे से भून ली 5 मिनट तक का। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो फिर इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो मैंने पूरा ऐड कर दी। ऐड करने के बाद में इसको भी अच्छे से हम लोग खूब अच्छे से भुनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हम लोग अच्छे से भुनते रहेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको भून लेंगे हम लोग। ये बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही अच्छे से बनती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, उसको खूब अच्छे से भुनेंगे हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए। अच्छे से भूनते रहेंगे ना तो खुद ब खुद इसके अंदर पानी रिलीज़ होगा, दही का पानी और चिकन का जो पानी रहता है ना वो रिलीज़ होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने ना फिर मैंने ना इसके अंदर लाल जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने लाल मिर्ची ऐड की थी, आखी लाल मिर्ची थी मैंने 2-3, वो मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर। और फिर ऊपर से मैंने गरम मसाले का पाउडर ऐड करी 1/4 teaspoon के जितना। फिर इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्ची जो सूखी लाल मिर्ची आती ना वो थी, उसको मैंने बस ऐसी खाली रफली 2 chop करके डालती थी। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली थी। फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करी, पानी ऐड करके इसको मैंने ढक के अच्छे से पकने दी। तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट तक अच्छे से पकाई थी और माशाल्लाह चिकन अच्छे से इसके अंदर गल चुका था और हमारा जो मतलब जो ग्रेवी था वो बहुत ही अच्छे से बन चुका था। अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है ना वो थोड़ी कैसा मतलब जैसे आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये थोड़ा सूखा जैसा ही अच्छा लगता है। पर मेरे घर में थोड़ा सा मुझे शेरवा रखना पड़ता है, रस रखना पड़ता है, तो मैंने उसके हिसाब से रखी थी। अब ऊपर से सिर्फ मैंने इसके ऊपर कसूरी मेथी आती ना वो मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। यहाँ पे ये हमारा जो लजीज था एकदम बेहतरीन एकदम अच्छा सा यम्मी वाला चिकन रेशमी चिकन हांडी तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।